आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम तिलबुग्गा बनाने जा रहे हैं, जिनको तिल की बर्फी भी बोल देते हैं। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या क्या सामान यूज होता है। ये हमने 500 ग्राम बूरा लिया है और 500 ग्राम तिल लिए हैं, 500 ग्राम ये मावा, और ये 2 चम्मच हमने घी लिया है, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, इन सबको हमने ले लिया है। ये सामान हमारा तिल की बर्फी में यूज होएगा। हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया है और उसमें हम ये देसी घी डाल देते हैं। ये हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इनको काजुओं को तल लेंगे। अब हमारा घी पिघल गया है, अब इसके अंदर हम काजू ऐड करते हैं और इनको सुनहरा होने तक तल लेते हैं। अब हमारे काजू सुनहरे हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बादाम को भी सुनहरा होने तक तल लेते हैं। अब हमारे बादाम भी सुनहरे हो गए हैं, इनको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। ये हमारा घी बच गया है, इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये अब हमें यूज नहीं करना। पैन खाली करने के बाद इसमें हम मावा डालते हैं और इसको हम थोड़ा भून लेते हैं। ये मावा मैंने घर पर बनाया था, मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर पर बनाती हूँ मैं मावा। किसी दिन मैं आपको मावा बनाना भी बताऊँगी। तो अब इसको हमने थोड़ा तैयार करके रख दिया था, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम भूनते हैं अच्छी तरह से। अब हम भून रहे हैं इसको। देखिए अब हम मावा थोड़ा सा हमारा और भून गया है, थोड़ा सा हमें और भूनना है। हमारा मावा भून चुका है, आप भी इसी तरह से भूने तो सही रहेगा। और मैं अब गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं दूसरा पैन रखती हूँ और उस पर मैं ये तिल भून लेती हूँ। गैस आप अपनी धीमी रखें और इनको भी सुनहरा होने तक भून लें। तिल खाने बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत होता है, तो ये सर्दियों में ही खाए जाते हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं, तो इसलिए आप तिल का यूज ज़्यादा करें। आप इनको धीरे धीरे भूनें क्योंकि ये लग जाते हैं, जल जाएंगे फिर नीचे से, इसलिए आप धीमी गैस करके आप इनको आराम आराम से भूनते रहें सुनहरे होने तक। अंदर तक भून जाते हैं धीरे धीरे भूनेंगे तो। और ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तिल वैसे हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमें 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, अब ये हमारा भुनने पर आ गया है, भुनी गया है बस हमारा। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे वाले हमारे जल ना जाए। तो हम आराम आराम से इसको चला चला के भुन गए हैं। अब हम इनको सबको पहले बादाम पीस लेंगे, फिर काजू पीस लेंगे और दरदरा पीसें बादाम और काजू को, और इनको भी तिलों को भी हमें पीसना है। देखिए ये हमने बादाम भुने जो थे उनको दरदरा पीस लिया है और काजू को भी हमने जो तला था उनको भी हमने दरदरा पीस लिया है। ऐसा पीसें, कुछ मोटा कुछ बारीक ऐसा पीसें। और ये भी काजू देख लिए, काजू और बादाम दोनों को रोक रोक के पीसें। 1 सेकंड चलाया और 1 सेकंड बंद रखा। ऐसे ही आपको ये तिल भी ऐसे ही पीसने हैं, रोक रोक के। 1 सेकंड रोका, 1 सेकंड चलाया, इस तरह से रोक रोक के बस। बिल्कुल थोड़ा सा ही, बिल्कुल ज़्यादा चलाएंगे तो बिल्कुल मैदा बन जाएगी इसकी, इसलिए आपको रोक रोक के 2 ही मिनट चलाना है। ये जो हमने 500 ग्राम बूरा ली थी इसको हम छान लेते हैं। यदि हम छानेंगे नहीं, इसमें डली रह जाती है तो सारी चीज़ का जायका ख़राब कर देती है, तो इसलिए हमें ये छान के यूज करनी है। हम छानते हैं अब इसको। ये हमने चलनी ले लिया है और इसको हम इसमें डालकर छान लेते हैं। बारीक चलनी में ना छानिए क्योंकि बारीक में छनेगी नहीं है, और मोटी चलनी में ही, जो चावल पसाने वाली चलनी होती है उसमें ही आप इसको छानें। तो ये सही छनेगी। आप हमारी बूरा छानने के बाद ये डली अलग ही दिखाई दे रही है। यदि हम इनके साथ ऐसे ही बना देते तो हमारी पूरी चीज़ का जायका बर्फी का ख़राब हो जाता, इसलिए हमने ये छानी है। अब इस बूरा के अंदर हम ये तिल ऐड कर देते हैं और ये जो हमने बादाम ये भी पीस के रखे थे ये भी ऐड कर देते हैं, और ये काजू भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो हमने मावा भून के रखा था आप वो इसमें ऐड कर दें, और मावा बिल्कुल ठंडा ना हो, बिल्कुल हल्का सा सील गर्म सा
हो, ज़्यादा तेज भी ना हो, ज़्यादा तेज होगा तो बूरा पानी छोड़ देगी, इसलिए थोड़ा सा सील गर्म सा ही रखें। और हमने आपको इलायची नहीं बताई थी, तो हम थोड़ी सी टेस्ट के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। हमने ये एक प्लेट ली है, आप प्लेट किसी तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन किनारे वाली हो जिसमें आराम से बर्फ़ी जम जाए। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं जिससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल आराम से उतर जाएंगी, इसलिए हमें इसमें घी लगाना होगा। मिला मिला के इस तरह से दो तैयार कर लें जमाने के लिए। और जब अपने घर में आप बनाएं तो मुझे कमेंट में लिखें कि आपको ये बर्फ़ी कैसी बनी। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगी। आप हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसको ट्रे में डालते हैं। ये हमने ट्रे में डाल लिया है और इसको हाथ से ऐसे फैलाएं आप किनारों तक, जिससे किनारे में भी पहुंच जाए। और फैला के इसको बराबर इकसार करके हम आपको अभी दिखाते हैं कि इकसार करके इसको हाथ से थपक के हमने इस तरह का कर दिया है। अब इसको हम ऊपर से प्लेन करेंगे। ये कटोरी हमने इस तरह की ली है प्लेन करने के लिए। आप जो है हाथ से करने के बाद फिर इस कटोरी से ऐसे करके आप ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। प्लेन हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से आप प्लेन कर दीजिए। ये हमने ऊपर से प्लेन कर दिया है। अब इसको में हम कट लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसमें कट लगाते हैं, क्योंकि बाद में कट लगाने के बाद ये टूट जाती हैं, इसलिए पहले ही कट लगा देंगे और बाद में ये आराम से निकल जाती हैं। हमने ये निशान लगा दिए हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालना चाहें तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। और आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे ये जम जाए। तो आधे घंटे बाद हम आपको इनके पीस निकाल कर दिखाएंगे। अब हमारी बर्फी को 30 मिनट हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आप इस तरह से आप निशान दे और आराम से इसको, बिल्कुल आराम से इसको इस तरह से बाहर निकाल लें। सारी बर्फियां आप इस तरह से ही करके आप निकाल लें। ये देखिए आप मोटी पतली अपने हिसाब से रख लेना। अब हमारी तिल की बर्फी तिलबू का खाने के लिए तैयार है। आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तिल या काजू बादाम वो आप धीमी आंच में भूनें, तेज आंच में भूनेंगे तो वो अंदर से नहीं भुनेंगे, ऊपर से जल जाएंगे तो उनका टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको धीमी आंच में ही भूनने होंगे। और जब आप मिलाएं ये सब सामान को तो मावा ज़्यादा तेज गर्म ना डालें, बिल्कुल धीमा गर्म डालें, जिससे कि हमारा मिक्सर बिल्कुल सही रहेगा। और तेज़ डालेंगे तो हमारी बूरा पानी छोड़ देगी। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़।